दर्द हो रहा ना इसको। दूध तो दूध होता है यार, जानवर तो मैंने कहा दूध होता है ना तो फिर वो बहुत बहुत कंफर्टेबल, जैसे हम लोग चाय वाय ढका ना, मक्खियाँ उसको परेशान ना करे, जाएंगे डॉक्टर पे उसके लिए ले आएंगे। इसका चोट लगी है, तुम लोगों ने परेशान किया ना, हिसाब लगा लियो, समझा? मंगे कुछ नहीं मक्खी। गाइस इस पे ना मोटरसाइकिल चढ़ गया, पता नहीं कब। पापी लोग साले, सच्ची में यार पता नहीं सुबह हुआ रात को हुआ पता नहीं। पीले 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 कुछ नहीं कह रही मक्खियां तुझे, मक्खी को परेशान मक्खी नहीं कर रही, दूध मिले तू ठीक हो जाएगी। हम इसको अंदर रख रहे हैं, बाहर आ रही है, बार बार भाग रही है। बच्चे दर्द हो रहा है ना तो इसका मन नहीं कर रहा, डर रही है शायद। बेचारी नहीं डर नहीं रही है, इधर हो ना धूप से थोड़ा। अच्छा ठीक हो जाएगी, नहीं खा रही है, दर्द हो रहा है ना इसको तभी इसका मन ही नहीं है। तो लेके जाएंगे ना, अभी रुको ना, दवाई ले आते हैं डॉक्टर, हिलने वाली है। ठीक तो है ना यार, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मक्खियां तंग कर रही है, तभी तो मैंने ढका उसको, अंदर रखा था अंदर बाहर आ गई, इतना घिसीटते घिसीटते। आई थिंक धूप आ रही है ना बाहर, तो उसको ये है कि मैं धूप में रहूं। डॉग्स होते भी ऐसे, उनको धूप में ज्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि वो सेक आता रहता ना, तो कंबल हटाया तो उसको काटेंगे। हाँ ये तो नहीं, सही बात है, मक्खियाँ बहुत है यहाँ। दवाई लेके आए मामा, दवाई लेके आए बच्चों, क्यों गई उधर वे सड़क पे पागल सी? इसको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, मंगे को इसको बस ये जो दूध रखा हुआ है बच्ची के पास, उसको ये है कि मैं वो कैसे पीऊं, ये लोग कब अंदर जाएं और हम कैसे पिए, ये बहुत वो है। ये बैठ गया, क्या चीज मक्खियां तंग कर रही है ना, ये देखो गाइस ये बना रही है आज देसी स्टाइल में चप्पन कद्दू, इसको बोलते हैं चप्पन कद्दू, पंजाब में तो चप्पन कद्दू बोलते हैं और शहरों में शायद टिंडे बोलते होंगे, लेकिन टिंडे अलग होते हैं, ये चप्पन कद्दू है। और साथ में पी रही है जट्टा वाली चा, और ये रही जे टोपी टोपी पा के, ठंड तो बहुत है यार यहाँ पे, सूखी ठंड बहुत है, मतलब जब हम सांस भी लेते हैं ना तो वो जो ठंडी हवा जाती है ना, ये देखा शाइन आ गई झल्लो। अरे पूरा दिन ना कभी अंदर निकालो कभी बाहर, अरे उसको बाहर ही रहने दो, पता परेशान करती है, पर कहते है। सच में पता है उसने क्या किया रात को, पहले तो वो नीचे थी ठीक है, फिर हम उसको बुला रहे थे वो आए नहीं ठीक है, क्योंकि नीचे चूहे होते हैं तो वो उनको भगाने में पूरा फुल व्यस्त रहती है। फिर जब सुबह रात को आई तो हमने उसका दरवाजा खोला, उसका बेड बेड बिछाया, पता है उसने क्या किया, सुसु कर दिया अपने बेड पे, इतनी खराब है वो, परेशान करती है गाइस हमारे रूम में इधर, वो ना बार बार कहेगी दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, बाहर क्या है, उसको थोड़ा सा भी कोई भौंकता है तो कहती है बाहर जाना है मुझे, इसलिए हम कहते तू बाहर ही रह फिर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, प्यार परी, सत श्री अकाल, और आप लोग सब कैसे हो? हम तो ठंड का फुल मजा ले रहे हैं, मैं तो बैठा हूँ रजाई में, नाश्ता पानी हमने अभी कर लिया है, अब दूसरी चाय पी रहा हूँ मैं, और जे
तो चप्पन कद्दू में लगा रही अपनी दिहाड़ी आज, चप्पन कद्दू छीलेगी बनाएगी, है ना जनू? आज मुझे कह रहा मुझे बाहर लेके जाएगा, मार्केट जाएंगे, मतलब शहर जाएंगे। शहर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो जाएंगे शहर के अंदर। वो डॉगी भी तो हर्ट है ना यार, उसके लिए मेडिसिन लेके आएंगे। उसको ना एक्चुअली मोटरसाइकिल, वो पता नहीं मोटरसाइकिल चढ़ गया क्या चढ़ गया, क्योंकि गाड़ी चढ़ती थी वो बचती नहीं, बट मोटरसाइकिल चढ़ गया हो और वो ना पाँव उसका एक्चुअली स्क्रैचेस आ रखे, जैसे हम मोटरसाइकिल से गिर जाते तो हमें खरोंच आ जाती है ना, स्क्रैचेस आ रखे। तो अभी तो फिलहाल हल्दी लगा लिया, जब मार्केट जाएंगे तो दवाई ले आएंगे उसके लिए। इतने कमीने बच्चे हमारे, पता भागते ही रहते पूरे दिन रात भागते ही रहते, ये शाइन भी नहीं टिकती, कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती कभी छत पे जाती, कभी क्या क्या करती रहती है। चलो गाइस हम मिलते हैं फिर आपको चाय चू पी के। तू क्या इतना सुस्त माल बना पड़ा है गाइस, ये ना कोई जैकेट, ये सिंगल शर्ट टी शर्ट ही पहना हुआ है, वो भी वार्म भी नहीं है, कुछ नहीं पहनता ये, फिर बाद में जब बीमार हो जाएगा फिर बोलेगा मैं बीमार, रोता रहेगा फिर, पता है मैं बीमार हूँ जे, मैं बीमार हूँ जे, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता, रोता ही रहता है ये, रोता रहता मतलब रोंदू है तू। अच्छा जी, मुझे मार्केट घुमाने लेके आया है ये, कह रहा जो भी कुछ चाहिए शॉपिंग करना कर ले, मुझे से जो मिल रहा ले ले, आगे लिफ्ट ठीक है, चंडीगढ़ तो जाना ही है। हाय गाइस, ये मुझे शॉपिंग करा के लेके आया है, शॉपिंग है तो चले फिर, मेरे को दो तीन शूज लेने थे वो रह गए बूट्स, तो चलो कोई बात नहीं, मेरा पार्किंग चलते हैं, ये छोड़ते हैं पार्किंग में और फिर उसके बाद हम और शॉपिंग करने निकलते हैं। चलो आ जाओ। ये देखो इतने खुश है, इतने खुश है, पर इसका आधा सामान में नहीं मिला गाइस, मेरे ना एक शूज रह गया, बूट्स रह गए, एक तो मैंने ले लिया, एक बूट्स रह गए जो यहाँ पे नहीं मिलना, एक है यहाँ पे पंजाब में, एक है मॉल सा बना है कैप्सन्स जो नाम होता है, आई थिंक वहीं से मिलेगा, लेकिन शूज इट्स नॉट नेसेसरी कि उधर से मिले, बट एक दो चीज़ें ली है बहुत अच्छी ली है, आई एम सो एक्साइटेड। एक कोट लिया है मैंने, ट्रेंच कोट, वो इट्स वेरी नाइस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। तू खुश, मैं डबल खुश, मेरा बच्चा, लेकिन ठंड बहुत है यार, बस रहने दे तू, मैं चाय पीने वाला बन, वहाँ पे उन्होंने एसी से चला रखा है कि लोग ना मजबूर हो के खरीदे, लेकिन जहाँ पे हम शूज के स्टोर में जाते वहाँ पे तो गर्मी लग रही है, पंखा चला रखा है, तूने नोटिस किया ये बात? नहीं मैंने, मैं नोटिस कर लेती हूँ, तू तो फिर है ही नोटिस करने वाली, हैप्पी लग रहा है मेरा बाबू, मेरा स्वीट हार्ट माय बेबी, देखो स्वीट हार्ट करी जा रहा है, बेबी करी जा रहा है, सो व्हाट, सो व्हाट, इसमें प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है? ओ प्लीज तू रहने दे, ये तो तू मत ही बोलियो, चलो ना, कोई नहीं आ रहा है, नो प्लीज, आई स्वेयर मैंने सुना को पंजाबी में बात कर रहा था, ये देखो, ए पहली बात तो मुझे सामान उठाने नहीं देता, ठीक है, और जब ये खुद उठाने लग जाता तो ऐसे दिखाता है जैसे बहुत भारी है, ईंट पत्थर उठा रखा, देखो मेरे भाई ये ऐसे एक्टिंग करता है मेरे सामने, ठीक है ना, और जब मैं बोलती हूँ ना कि मैं उठा लेती हूँ तो मेरे को कहता है छठ परा, नहीं छठ परा नहीं बोलता है वो, बोलता है छठ दे, चल चल हूँ, चल हूँ। हाय गाइस, हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है, जो भी कुछ लेना था ले लिया, और यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो चीज़ है वो हमने ले लिया, और अभी हम आए हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने, क्योंकि वो शाम को आता है और एक सुबह आता है, तो सुबह वो बहुत जल्दी चला जाता है, मतलब तो हम तो पिंड में रहते हैं, ये शहर में, तो शहर में वो 11:30-12 बजे तक वो चला जाता है, तो जब तक हम आते और उस टाइम हमें पता लगा था कि उसको चोट लगे तो वो नहीं होता डॉक्टर, और मतलब वो घर पे भी नहीं आते, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं एक्चुअली एनिमल्स को लेके ना, ऐसे सिटीज में और ऐसे पिंडों में ना एनिमल्स को लेके बहुत डिफिकल्टी होती है अगर वो बीमार वगैरह पड़ जाए, क्योंकि हमें याद है कि जब जिप्सी बीमार पड़ता था
तो हम भागते थे उसको लेके, और गाड़ी एम्बुलेंस बन जाती थी, इतना फास्ट भगा के लेके आते थे क्योंकि शहर आना पड़ता था। तो आज सुबह पता लगा ना कि वो बीमार है, वो उसको जख्म हुआ है, तो फिर वो शाम को आया, क्योंकि अभी तो लवी गया उससे दवाई लेने। है तो वो अच्छा डॉक्टर, जिप्सी का भी बहुत, उसने जिप्सी का एक सर्जरी करवाया था, जिप्सी को एक प्रॉब्लम हुआ था, तो अभी आ रहा है लवी। ये आ रहा है मेरा लवी दवाइयां लेके। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहा है ना आप मेडिसिन याद रखे, मैं भूल ना जाऊं। हाँ। ये इसका हाफ देना टेबलेट। ओके ठीक है, और इसका हाफ का भी हाफ, वो मतलब 3 महीने की है ना वो, अभी तो बहुत छोटी है, तो फिर मैंने इसके साथ ये ले ले ग्रेवी, क्योंकि इसके साथ आप कैटेगरी के साथ उसको मिला के दे देंगे ना, थोड़ा खा लेंगे, ट्राई करेंगे, अगर खा लिया तो वैसे पता नहीं है ना। हाँ। ट्राई कर लेंगे, तो ये उसको देखो। अरे हाँ एक ये स्प्रे, वही ग्रेस आ जो वाला, हाँ। स्किन आ जाएगा जल्दी इस पे, ठीक आराम आ जाएगा, ठीक है, बस यही था। चलो तुम क्या कर रही थी? मैं वीडियो बना रही थी। मुझे लगा कि सुबह इधर उधर गया होगा, अभी तक आया नहीं, सोचने वाली बात है। गाइज एक डॉग हमारा मिसिंग है यार, चिंटू, आपने देखा होगा वाइट और ब्लैक डॉग, वो मिसिंग है यार सुबह से, वो आया ही नहीं है मुड़ के। ऐसे हमारे एक एक करके सारे डॉग्स ऐसे गायब हो जाते हैं, और वो फिर बाद में पता चला जो अच्छा सेहत का था वही गायब हो गया। सारे सेहत वाले अच्छे, जो शेरू भूरू से मतलब जो सबसे हेड थे, हेड वाले ही गुजरे हैं, आए नहीं वापस घर पे। मुझे लगता है गाड़ी वाला फेट मार गया उसको, जैसे उसको चोट लगी है ना बेचारी को। अब वो कैसे, अगर वो बोलना आता उसको तो बोल देती कि कहाँ पे है चिंटू। गाइस हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए, खाना भी दे दिया था भाभी ने, तो फिर अभी तक आया ही नहीं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो शाम को कहीं दिखा नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। ये भी तो नहीं है कहीं, ढूंढ के बता दे चिंटू का है, ओनर चिंटू का है। गाइस जो चीज़ हमने बोला था ना कि हम लेके आ रहे हैं, तो ये लेके आए थे, और ये देख ये कितनी नलायक है। ये स्वेटर उसने निकाल के रख दिया, ये अपने बेड पे नहीं सो रही, ये यहाँ सो रही है। आई थिंक इनको गर्मी लगती है शायद। ये गाइस ये देखो, ओह शाइन कैसे डर रही है। गाइस ये देखो हमने चला लिया, हेलो गाइस, तो आज वो टाइम है जो हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम बताएंगे जेनू का बर्थडे का डेट, जिन लोगों ने सही बताया था उनके नाम लेना था आज, तो हम जेनू पढ़ पढ़ के सबके नाम ले, कुछ चीटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे जैसे हमें आते रहे हम वैसे ही बताएंगे। और उसके बाद जब मैंने बोल दिया था कि हाँ भी बहुत सारे लोगों ने सही बताया, मुझे लगता है 31st ज्यादा लिखा हुआ था, तो उसके अंदाजे से भी लोगों ने बोला 31st। जो सेकंड डे पे जिन्होंने बोला उनका नहीं, लेकिन जो फर्स्ट डे पे जिन्होंने बोला उनका नाम हम जरूर लेंगे। कुछ लोगों ने सही कमेंट किया था फर्स्ट डे पे ही, लेकिन उनके यूजर नेम था और उन्होंने नाम लिखा ही नहीं था। हमने पहले ही बोला था कि यूजर नेम के साथ अगर आपका है तो आप अपना नाम लिखो, लेकिन आप भूल गए, अपना नाम नहीं लिखो। सबसे पहले जिनका आया था वो है राजकुमारी राणा और कृष्णा, जिन्होंने 31st December बोला था, जिनका सही था रोजी, जेड नहीं है बट रोजी नाम है, इतना बड़ा मतलब यूजर नेम है, लेकिन उनका नाम ये था, उन्होंने नाम नहीं लिखा। एक है जानवी वाल्या, एक है चंपा काकरी और शिवानी, सरनजीत कौर, तो इन्होंने लिखा है नाम पूनम, पूनम फ्रॉम बड़ौदा, हाँ जी। एक है जिद्दी, एक है हुस्ना खान और है मोनिका कुमारी। ये तो यूजर नेम ही लिखा है और कोई नाम, यूजर नेम पता नहीं क्या, कौन कौन से नंबर है पीछे, नाम ही नहीं लिखा। सोनी कुमारी ऊपर भी है, ऊपर लेकिन नाम ही नहीं है, ये वही है यूजर नेम। अच्छा हाँ।
एक है संजू सेनापति गाइस, वो है जिन्होंने सही डेट बताया हाँ, था हाँ। उसी दिन ही जिस दिन हमने बोला था उसी दिन उनके कमेंट्स आने शुरू हो गए थे। हाँ जी, अब तक आ रहे वैसे तो अभी तक बोल रहे हैं, बट जिन्होंने उसी डे पे बोल दिया था कि 31st तो उनके नेम ले रहे हैं, अब तो बहुत ज्यादा बोलने लग गए हैं। तो सो नवी यही तो यूजर नेम है यार, 31st हैप्पी बर्थडे इन एडवांस भाभी और हार्ट भेजा, तो फिर ये तो यूजर नेम है, इसमें कोई नाम नहीं है। एक रुबीना खातून, एक सना है, यूजर नेम ही सना है तो फिर उन्होंने नाम नहीं लिखाया। एक ने लिखा है मेरा नाम क्यूटो है, तो उन्होंने तो क्यूटो ही नाम लिखा है यहाँ पे। नाम भी चुन चुन के रखे हुए चुन चुन के नाम रखेंगे चुन चुन के हाँ, चुन चुन। एक है निकी मायावंशी, उनका यूजर नेम है, उन्होंने नाम नहीं लिखा। एक है बलजिंदर सिद्धू, ये भी है जो जिनका यूजर नेम नेल नूर है हाँ। उन्होंने भी नाम नहीं लिखा। एक है सिमरता जॉर्ज, उनका भी न्यू यूजर नेम है, उनको उन्होंने नहीं लिखा। एक इसका भी देखा। एक है निशान गोम्स, उन्होंने भी सही बोला है। एक मौसमी चक्रवर्ती है, उन्होंने भी सही बोला है। सॉरी अगर हम किसी का भी नाम गलत ले रही हूँ मैं तो फिर सॉरी, क्योंकि यूजर नेम के हिसाब से जिनका नेम नहीं लिख के भेजा जिन्होंने हाँ। भारती साहू, इन्होंने भी सही बोला। एक है समरीन शेख, यूजर नेम एक ने तो यूजर नेम लिख के कह रहे हैं कि मेरा नाम लेना, तो हम आपका नाम कैसे ले सकते जब आपका यूजर नेम है, कोई नाम ही नहीं है। ऊपर का भी यूजर नेम है, यूजर नेम ही है देखो ऊपर फर्स्ट वाला, ये वाला आपका बर्थडे 31st को है, मेरा नाम लेना पर कैसे लेंगे, नाम ही नहीं है और यूजर नेम वो ही है। ओके ओके ने एक है शाहीन, इतने स्क्रीनशॉट ले रखे हमने। एक है विश्वाभा, जिन्होंने सही डेट बोला है। बनीता जसवाल, कविता सिंह, योर्स गुरी लिखा हुआ है जिनका यूजर नेम, उन्होंने नाम नहीं लिखा। उमेश कुमार, उनका सिर्फ यूजर नेम है, ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में जैसे सब अटेंडेंस जैसे अटेंडेंस लग रही होती है, ऐसी लग रहा है मेरे को ये बोर हो रहा है, ये हमेशा बोर होता है, ये हमेशा बोर होता है, मेरे को नजर नहीं आ रहा इसलिए ये पढ़ रही। मैं इतना सच बोलूं मैं चश्मे के बिना नहीं दे सकता, बांडा फोड़ दिया बांडा मैं अपना चश्मा लगाऊंगा मुझे तभी नजर आएंगे, तो मैंने कहा तू भी पढ़ बांडा बचा लो, मैं तो जोर लगा के देख रहा हूँ, बच्ची में मुझे नहीं नजर आ रहे। एक शिल्पी है जिन्होंने सही बोला। एक सपना है, एक तो है गगनदीप कौर जिन्होंने सही डेट बताया, गगनदीप कौर। दूसरा कौन है, अरे भाई यूजर नेम है उनका संधु साहब, उन्होंने भी सही डेट बताया। जिन्होंने सही डेट बताया जीत कौर, और इन्होंने सही डेट बताया मन्नू भाई साहब आगे बस यही है बस गाइस, इन्होंने सही डेट बताया था उसी दिन जिस दिन हमने पूछा था, बाकी अब तक आ रहे हैं जिन्होंने अब बताने लगे 31st और आप लोगों की भाभी का बर्थडे 31st दिसंबर को है, पूरी दुनिया इसका बर्थडे मनाती है, तो सोचो कितनी स्पेशल है ये मेरे लिए, और वो दिन कैसा था जब इसने ये दुनिया में आई। इसका भी बर्थडे बहुत अच्छा, सिर्फ सितंबर में पैदा हुआ लेकिन 14 मतलब मैं इसको आज तक बोलती आई 14, तो 14 वैलेंटाइन्स डे पे भी आता है नहीं मतलब मीन्स हो सकता था अगर मैं फरवरी में पैदा हो जाता तो फिर क्या पता क्या पता क्या पता, लेकिन जिप्सी तो है ना वैलेंटाइन्स। तो बस यही बताना था गाइस, तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतना प्यार करते हो हमें यार, हमारा जो भी हम कहते हैं आप सुन लेते हो, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो और क्या ही बोले, हम यही बोलना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच, मन तो कर रहा था सबका नाम ले बट फिर तो वो चीटिंग हो जाती और जिन्होंने सही कमेंट्स किए फिर तो वो यू नो वो पार्शियलिटी हो जाता। बहुत अच्छा लगा मुझे तो, बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा बर्थडे सबको काफी काफी लोगों को पता है कि इसका बर्थ 31st को आता है, आप लोगों को अच्छा लगा मेरी फैमिली से मिलके, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे बहुत प्यार भरे मैसेज आए, कमेंट्स आए आपके, लव यू सो मच गाइज। सच में मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली जैसे हर किसी की फैमिली ऐसी हो जाए कि उनको अपने बच्चों को वो समझे, है ना जिनो, प्यार प्यार ही होता है। तो हर किसी के इंसानों के मुश्किलें आती हैं, हमारे भी आई थी, धीरे धीरे जब उनको लगा कि ये तो मतलब ठीक है अपना बन रहे हैं अपना कमाते हैं खाते हैं, हमने कभी भी उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया था कि हमें 100 रुपए की भी जरूरत है, कभी भी हमने कभी भी अपने घर वालों से हेल्प नहीं मांगी थी, तब उनको मानना पड़ा ही। और लास्ट में गाइस कहते हैं ना
जब सब कुछ उन्होंने पता लगा इतने साल हो गए अब तो क्या है, फिर सब कुछ नहीं, फिर मान गए थे। हम गए थे रील्स बनाने आज और फोटोशूट करने, तो आपके लिए अच्छे अच्छे रील्स लेके आ रहे हैं हम। जैसे भी, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा इतनी जल्दी हो जाता है, तो हम निकले थे एक्चुअली 4 बजे और हमें पास टाइम नहीं था, सिर्फ 2 घंटे थे, क्योंकि 5:30 बजे तो अंधेरा होने लग गया था। तो हमने जो जितने भी फटाफट फोटोशूट करवाए और आ गए घर पे और रील्स बना के आ गए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों को ऑब्वियसली पसंद आएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी एंड रिमेम्बरिंग माई बर्थडे डेट। थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया है थ्रू आउट 1 year ऑफ अस जैन लवी फैमिली, एंड हमारी ऑलरेडी फैमिली, ये फैमिली तो है ही है ही, और आप बने हो हमारी फैमिली जैन लवी फैमिली। बस आप लोगों को एक बात बताना कि हमारा एक डॉग था चिंटू, वो गायब हो चुका है 2 दिन से, वो आया नहीं है। सब लोग गए खेतों में, ढूंढा सब जगह ढूंढा, पता नहीं वो है ही नहीं। तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारे बहुत सारे डॉग्स ऐसे ही हुए हैं, एक एक करके गायब हो जाते, बहुत सारे डॉग्स हमारे खेतों में मिल जाते हैं, यू नो मतलब जो वो जिंदा नहीं है। सांप भी बहुत है आसपास खेतों में, इतने सांप हैं। तो आई थिंक सो वो कहीं दूर वो निकल गया होगा रात को, क्योंकि धुंध पड़ती है रात को और वो वापस नहीं लौटा। बाकी वो जो छोटी सी पप्पी फीमेल थी, 2 दिन से दवाई खा रही है एंड शी इज मच बेटर, काफी हाँ जी, उसकी हड्डियां सब ठीक है, बस उसको स्क्रैचेस आ गए थे। अब वो ही जानती है बेचारी, वो ही जानती है उसके साथ क्या हुआ था रात को। बाकी वो ठीक है अभी, वो हमने उसको बहुत कोशिश की उसको उठाने की, बट वो काटने लग जाती है, बिकॉज वो पेन में होते, यू कैन नॉट पिक देम अप। मेडिसिन बहुत अच्छा है वो, हाँ वो वॉक करने लगी हाँ। तो फिर वैसे वो बहुत बेटर हुई है और लवी ने उसको देखा कि इधर उधर जा रही है, वो वॉशरूम वगैरह खुद तुर फिर रही है। तो जब भी वो, वैसे भी वो धूप में बैठी रहती है उधर, सुबह भी आज वो उधर गई थी धूप में बैठने, फिर भाभी लेके आई थी उठा के। तो हम लोग रील्स बनाने गए थे उस टाइम, तो भाभी हाँ। बता रही थी कि मैं लेके आ गई थी उसको वहां से, बस और तो कुछ नहीं, बस हम ये बोलना है। सो ये बूंदला पड़ा है, ये बूंदला पड़ा है। चलो गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए, अपने प्यार को प्यार करते रहिए, और क्या चाहिए बस, ठीक है। लव यू ऑल, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय।